क्वेश्चन नंबर किसको देखने वाले हैं हम, क्वेश्चन नंबर 22। अ क्यूब ऑफ साइड ए इज प्लेस्ड ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। इंक्लिनेशन कितना है? थीटा। इंक्लिनेशन कितना है इसमें? थीटा। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच द क्यूब विल नॉट टॉपल? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच द क्यूब विल नॉट टॉपल? मैंने कहा एम जी साइन थीटा, ये ठीक है, क्लियर है। टॉपल ना करे, क्या ना करे? टॉपल ना करे। एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा इंटू ए बाई टू, नॉर्मल यहां से लगना शुरू हो जाएगा। मैंने सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिया, नॉर्मल कितना लगेगा? माइनस ऑफ एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा और ये लेस देन जीरो होना चाहिए। ये टॉर्क जो है ये जीरो से छोटा होना चाहिए, समझे? या यूं कहें, गलती होगी थोड़ी सी, ये मतलब टॉपल करने के लिए जो टॉपल कराने वाला जो ड्राइविंग टॉर्क है ये वाला है, इस ये छोटा होना चाहिए किससे? नॉर्मल रिएक्शन के, एम जी कॉस थीटा ए बाई टू से छोटा होना चाहिए। ए बाई टू खत्म, एम जी से एम जी खत्म, टेन थीटा लेस देन वन, यानी थीटा लेस देन 45। व्हाट इज द मैक्सिमम एंगल, थीटा का मैक्सिमम एंगल क्या होता है कि ये टॉपल ना करे? तो 45 डिग्री। बात समझ में आ रही है?